अरे जानते हैं मेष राशि वाले जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनको आज कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन उससे आपको आय भी आज के दिन अच्छी हो सकती है। आपके ज़रूरतमंद जो खर्चे हैं वो निकल सकते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर उच्च अधिकारी की आप पर नज़र टिकी हुई है और इसी से आपको धन लाभ भी आज के दिन हो सकता है। लेकिन आप अपनी संस्था के लिए जो कार्य कर रहे हैं उससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी तरक्की हो सकती है, लेकिन आज का दिन आपको कठिनाइयों से भरा लग सकता है और लग भी रहा है, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिससे आप बचते हुए नज़र आ रहे थे। भगवान शिव की उपासना करें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के विषय में। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनको आज मानसिक चिंताएँ घेरी रहेंगी। आपका ध्यान धार्मिक गतिविधियों में आज नहीं लगेगा, आपको मानसिक चिंताएं रहेंगी। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसको आपको करने की इच्छा नहीं थी। आपका दिमाग जो है वह सभी शक्तियों का मालिक है, लेकिन आप आज परेशानी से युक्त रहेंगे। संतान पक्ष से आपको आज कोई परेशानी आ सकती है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कोई पुराना जो प्रिय आपका चला गया था वह आज आपको मिल सकता है और रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने वाली है, लेकिन आपको मानसिक अशांति आज के दिन पूरा दिन रहेगी, जिसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आप किसी शिव मंदिर जाइए और वहाँ पे थोड़ी देर बैठिए, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और दिन उत्तम हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका आज अच्छा दिन है, लेकिन कुछ आर्थिक संकट आपके ऊपर है जिसको पूर्ण करने के लिए आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपकी आर्थिक मदद करेंगे। करियर भी अच्छा आज के दिन चल सकता है। गुरु की अपने राय ले, नकारात्मक सोच से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि उसके कारण आपका मन उदास हो सकता है। किसी काम को लेकर आज चिंतित रहेंगे। लेन देन पर सावधानी बरतें, धन हानि के योग हैं। काम काज की अधिकता है, इस कारण मानसिक अशांति भी रह सकती है। ज़्यादा सोचे नहीं, भगवान सूर्य की उपासना करें। दिन उत्तम है, लेकिन आज आपको धन लाभ के योग नहीं है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो लोग हैं वह अपने कार्यस्थल से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग आपकी छवि खराब करने पर लगे हुए हैं और वह ऐसा कर भी रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ देते हैं, और वही लोग हैं जो आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, जिसका प्रभाव आपके कैरियर में भी पड़ रहा है और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा कुछ दिनों से। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका इस समय दिन अच्छे नहीं है इतने, लेकिन भविष्य में आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको यात्रा करने के कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं जिससे आपका धन लाभ भी होगा और आपके नए लोग आपसे जुड़ेंगे भी। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सबसे उत्तम यह है कि भगवान हनुमान की शरण में जाएं, किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और लड्डुओं का भोग लगाएं।